Hello students, today we are going to start moving charges and magnetism, that is chapter 4. तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. What is magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जब कोई चार्ज Q है और ये मूव कर रहा है मोशन में v वेलोसिटी से, तो किसी चार्ज के मूव करने की वजह से जो फील्ड बनती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मोशन की वजह से होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन्होंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से, चार्जेस एट रेस्ट. चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उसके आसपास क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और चार्ज अगर मूव कर रहा है मोशन में तो उसकी वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, नाउ वॉट इज मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऑब्वियसली एफ से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक तो नीचे बी लगाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है उसको एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स है तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है. तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किस पे फोकस रहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एफ बी मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी. ये होता है इसका फॉर्मूला. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी. क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आता हुआ ना, वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट. वो अगर नहीं आता तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना, वो 11th की चीज़ है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. ए क्रॉस बी क्या होता है, किसके बराबर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, है ना, ये चीज़ मालूम होगा. तो ये चीज़ यहाँ पे लगेगा, ये 11th की चीज़ है. तो फिलहाल अभी उसको रिकॉल नहीं करेंगे 11th की चीज़ को, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ेंगे. तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी. क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज है, और वी क्या है कि वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी क्या है वो किस मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है. यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसकी वैल्यू कितनी है बी, इसमें कोई चार्ज है ये मूव कर रहा है, कोई चार्ज क्यू चार्ज मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से. तो कोई क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है बी. तो अब चार्ज के मूव करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप होती है. अभी बताया था कि चार्ज जब मोशन में रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और एक ऑलरेडी एक ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है. तो एक मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में है तो दोनों उसकी वजह से क्या होगा, उसके वजह से दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे. तो जब फोर्स लगेगा तो उसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी. Now we will see what happen when a current carrying conductor is placed in a magnetic field. This is magnetic field B and this is a conductor means wire. ये कोई wire रखा हुआ है जिसकी length है L. L length का एक wire रखा है जिसके अंदर current flow कर रही है I. तो एक wire को magnetic field में रख दिया गया. अब इस वायर पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा. क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही थी, और जब वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वायर भी एक मैग्नेट बन गया और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया. तो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा. तो वो फोर्स कितना लगेगा, उसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा. ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, उसका कितना, ये क्या है मैग्नीट्यूड की, ये इतना फोर्स लगेगा. और वेक्टर फॉर्म में एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय एल क्रॉस बी. ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी, जहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड. दोनों क्रॉस प्रोडक्ट एल बी साइन थीटा होगा, तो ये एल बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीज़ है. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाता है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है अंदर वी वेलोसिटी से, ये कोई चार्ज क्यू है और ये वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज एंटर कर रहा है, तो ये चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ये 90 डिग्री बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है और चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बोर्ड के अंदर की तरफ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर और चार्ज इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो जब वी वी और बी, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है बी, तो वी और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताया था, क्यू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, और इसका मतलब कितना होता है वी क्रॉस बी कितना होता है वी बी साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू कितना आएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी। साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि वी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री था। ये तो हो गया वैल्यू एफ की, अगर अगर परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका पाथ कैसा होगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा ना, ये भी ऑलरेडी हम लोग ने पहले क्लास में पढ़ चुका है कि कैसे सर्कुलर आता है। तो डायरेक्शन समझने के लिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है जैसे, हाँ, और एक वेक्टर है बी, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होता है, मान लो वो आया है जेड, तो जेड भी एक वेक्टर होता है, ए एक वेक्टर था बी एक वेक्टर था, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट मान लो जेड है। अब जेड का जेड भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए अगर इस डायरेक्शन में है, ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो जो ए क्रॉस बी मीन्स जेड, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी, ए क्रॉस बी का मतलब हम लोग ए से बी स्क्रू ड्राइवर को, अगर जैसे स्क्रू ड्राइवर को हम लोग यहाँ पे रखें और किधर रोटेट करें, ए से बी की तरफ, मतलब ऐसे रोटेट करें, इधर अगर रोटेट करेंगे स्क्रू ड्राइवर को, तो स्क्रू ड्राइवर किधर, इसको ऐसे रोटेट करने पे स्क्रू ड्राइवर ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ए से बी करने पे स्क्रू ड्राइवर ऊपर की तरफ आ रहा है, मींस जो जेड की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, बोर्ड के ऊपर की तरफ, मींस बोर्ड के ऊपर की तरफ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, ठीक है। इसी तरह से बी क्रॉस ए अगर होता, इसका डायरेक्शन क्या होता, इसी में बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कहा जाए बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, अगर वाई कह दें तो बी क्रॉस ए, अगर बी क्या, ये था ए और ये था बी, है ना, तो बी क्रॉस ए का मतलब हम लोग किससे आएंगे, बी से ए पे आएंगे, बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ, यानी कि अगर यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रख के बी से ए मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर नीचे की तरफ जाएगा, मीन्स बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन क्या था, ए क्रॉस बी बोर्ड के बाहर आ रहा था और बी क्रॉस ए बोर्ड के अंदर, मीन्स ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर वो किसके परपेंडिकुलर था, ए और बी को, ये जो बोर्ड है इस पे भी, ए भी इसी बोर्ड पे है और बी भी उसी बोर्ड पे है, तो ए और बी को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो हाँ, तो बस ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ, है ना। अब यहाँ पे कोई चार्ज है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, यहाँ पे कोई चार्ज
क्यू चार्ज है और जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, प्लेन इसी बोर्ड पे चल रहा है कोई चार्ज वी वेलोसिटी से, तो अब इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना चार्ज है और मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्यू एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी वी क्रॉस बी। तो एफ का जो डायरेक्शन होगा वो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो अभी जैसे बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, स्क्रू ड्राइवर के रूल से, है ना। तो अब देखो वी का डायरेक्शन क्या है, ये वी इधर जा रहा है ना, और बी का डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के नीचे की तरफ। तो बी का डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया बी, है ना। अब जैसे ये हो गया वी इधर है और बी क्या है इस तरफ, ऐसे कुछ है ना, ये बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और वी का डायरेक्शन ये है। तो दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन क्या है, ये प्लेन बन रहा है ना, ये वर्टिकल प्लेन है, ये दोनों को इसके इधर तरफ जाएगा ना परपेंडिकुलर, वी के ही परपेंडिकुलर और बी के ही परपेंडिकुलर इधर एक डायरेक्शन निकल रही है, तो वी क्रॉस बी इधर जाएगा। वी से बी की तरफ अगर स्क्रू ड्राइवर हम लोग रोटेट करेंगे, स्क्रू ड्राइवर को वी से बी की तरफ यहाँ पे रख के स्क्रू ड्राइवर को इधर रोटेट करेंगे, है ना, ऐसे। अगर जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है, ये जैसे ये स्क्रू ड्राइवर, इसको यहाँ पे इस जगह पे रख के ऐसे रोटेट करेंगे। ऐसे क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को किससे जाना है, वी से बी पे, वी क्रॉस बी निकालना है ना, तो वी से बी की तरफ रोटेट करेंगे और यहाँ पे रख के इस जगह पे, तो ये रखा और ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर इधर की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा, तो यानी कि जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन भी इधर की तरफ जाएगा, ओके। तो यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके तरफ लगेगा, वी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ जाएगा, यानी कि एफ का डायरेक्शन भी इधर की तरफ जाएगा। अब कोई पार्टिकल इधर वी वेलोसिटी जा रहा है, उस पर इस एक फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यानी ये क्या होगा, धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में इधर जाएगा, तो इस पर एक इधर फोर्स लगेगा, थोड़ा और घूमेगा तो फोर्स इधर लगेगा, थोड़ा और इधर जाएगा तो फोर्स इधर, इस तरह से पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा, उस पर फोर्स हमें से किधर लगता रहेगा, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता रहेगा। तो इस इट मीन्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है। तो इससे पहले भी उन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब हम लोग दूसरा केस ये देखते हैं कि मान लो अब इस बार जो है चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे चार्ज पार्टिकल ये एंगल बना रहा है, ये वी है, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज जो है वो इस डैश में मूव कर रहा है, जो कि बी के साथ 90 नहीं बना रहा है, ठीक है, ये मान लो थीटा है कुछ, तो जो चार्ज है वो बी के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो होगा जो कि बी के परपेंडिकुलर होगा, वी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बी के, और वी का एक कंपोनेंट होगा जो कि बी के अलोंग होगा ना, वी पैरेलल, ये सिंपल पैरेलल का मतलब इस वेक्टर वी के हम लोग ने दो कंपोनेंट यहाँ पे बना लिए, एक कंपोनेंट जो कि बी के अलोंग जा रहा है और एक कंपोनेंट जो कि बी के परपेंडिकुलर है ना। इस तरह से किसी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं ना, ये चीज़ क्लास 11th में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो v वेलोसिटी था, ये एक वेक्टर है, तो इसका दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया, एक कंपोनेंट b के अलोंग और एक कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इन दोनों कंपोनेंट में ये जो वी वाला वी पैरेलल है, ये जो वी पैरेलल है जो बी के पैरेलल जा रहा है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है वी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, क्यू और वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी जिसका अगर मैग्नीट्यूड कितना होता है, वी बी साइन थीटा। तो ये जो पैरेलल वाला है इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
साइन कितना डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री है ना, पैरेलल जा रहा है तो वी क्रॉस बी मतलब वी बी साइन 0, साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स इस वाले वी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वो वी का वो कंपोनेंट जो कि बी के पैरेलल जा रहा था उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो बिना किसी इस मैग्नेटिक फील्ड के इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी वो इस चार्ज को किधर ले जाना चाहेगा, सीधा सीधा इधर ले जाना चाहेगा और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो वो सीधा सीधा उस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो इधर जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, वो अपना अपने रास्ते सीधा चले जाएगा। और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे साइन 90 वाली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ पे कितना लगेगा, इस पे फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, इतना फोर्स इस पे लग रहा है क्योंकि साइन 90 डिग्री बन रहा है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है और पैरल कंपोनेंट पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा पार्टिकल को, क्योंकि अभी उन्होंने देखा था कि कोई भी वेलोसिटी वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल कैसे पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है ना, तो इस परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट है इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा, ऐसा सर्किल बना लेगा ना, ऐसा सर्किल बनाएगा जैसे अभी देखा था, लेकिन ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को आगे खींचना चाहेगा, मीन्स सर्कुलर पाथ बनते हुए वो आगे आएगा, यानी कि कुछ ऐसा बनते हुए आगे बढ़ेगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल, यानी उस वक्त जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, हेलिकल क्यों हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड के जो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है वी परपेंडिकुलर ना, ये क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो उस पर कोई इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए वो अपना एज इट इज़ सीधा अपने अपने डायरेक्शन पे ले जाना चाहता है चार्ज पार्टिकल को, तो वी पैरेलल चार्ज पार्टिकल को बी के अलोंग ले जाना चाहता है और वी परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ बना के दे रहा है, तो जिसकी वजह से दोनों कंपोनेंट्स के वजह से ओवरऑल पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहे, किसी और एंगल पे है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे और दोनों कंपोनेंट मिलके उसको कौन सा पाथ देंगे, हेलिकल पाथ। ओके, नाउ वी विल सी मोशन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन, अभी हम लोगों ने देखा था कि मोशन किस में देख रहे थे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, किसके अंदर मूव कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, ये बी कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, बट अब हम लोग को क्या देखना है, कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दोनों के साथ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ है वहाँ पे, और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जाके मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा, इट मीन्स हम लोग क्या पढ़ना है, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी, मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा, और वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, वी से है ना, ये वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये यानी कि वाई के अपोजिट जाएगा ना, इधर से इधर जा रहा है ना, अभी बताया था, तो स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर रख के इधर घुमाएंगे ना इधर, तो यानी कि इस वाई पॉजिटिव वाई के अपोजिट जाएगा, निगेटिव वाई की तरफ ना, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई डैश की तरफ ना, दूसरे एक्सिस के वाई के अपोजिट साइड में कि वी क्रॉस बी जाएगा, इट मीन्स
क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वाई अपोजिट का मतलब आई होता, जे होता है ना वाई के डायरेक्शन में, जे कैप, तो जे कैप क्या लग जाएगा, माइनस जे कैप। वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। तो वाई अपोजिट, जो वाई के अपोजिट जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप। तो यानी कि एफ बी कितना हो जाएगा, माइनस क्यू वी बी साइन थीटा और जे कैप। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि अब हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर दें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसका डायरेक्शन क्या रख लिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्यू ई, और डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप ना। तो एफ ई हो जाएगा क्यू ई जे कैप, है ना। अब ये थीटा कितना डिग्री है, थीटा का मतलब वी और बी के बीच का एंगल। तो वी और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री है वी और बी के बीच का। ये एक्स एक्सिस में जेड, तो एक्स और जेड के बीच कितना एंगल 90 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू वी बी, माइनस क्यू वी बी जे कैप। ये जे कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा है ये वाला, माइनस क्यू वी बी जे कैप। और इसका डायरेक्शन क्या है, क्यू ई जे। इट मीन्स एफ ई और एफ बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। एफ बी इधर जा रहा था, ये एफ बी नीचे की तरफ जा रहा है और एफ ई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो टोटल जो फोर्स होगा इसी को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बी प्लस एफ ई। मीन्स कोई चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स लगता है इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको, लॉरेंस फोर्स, ठीक है, एल ओ आर ई एन टी जेड, लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से लगने वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो लिया ही उसी हिसाब से। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह जो लग रहा है वो क्या है, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में लग रहा है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, तो टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कितना आया, क्यू इंटू ई, और इसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव जे कैप, मतलब वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या था, प्लस इसका था क्यू वी बी, क्यू वी बी, और इसका डायरेक्शन क्या था, माइनस जे कैप, है ना, वाई का नेगेटिव साइड। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो टोटल एफ कितना आएगा, क्यू कॉमन निकल रहा है और ई, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है, वी बी, और जे कैप बाहर कॉमन निकल गया। तो यानी कि अगर फोर्स मान लो ज़ीरो लग रहा है, अगर पार्टिकल पे फोर्स ज़ीरो लगे, ई और बी की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से सेट करें कि उस पे फोर्स क्या लगे, ज़ीरो, इफ़ ई एंड बी आर चूजन, मतलब इस तरह से उनको चूज़ किया जाए, आर चूजन सच अ वे दैट एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल फोर्स अगर किसी तरह से ई और बी की वैल्यू हम लोग इस तरह से चूज़ करें कि टोटल फोर्स क्या लगे उस पर, ज़ीरो, यानी पार्टिकल जो है वो उस पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़े ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाए, तो एफ वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाँ, अगर एफ ज़ीरो हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ई माइनस वी बी जे। इट मीन्स ये उधर ज़ीरो हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ई माइनस वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लॉयज़
अगर वी बी इधर आए प्लस हो जाए तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन बी। अब ये जो वेलोसिटी आई है, ये जो वेलोसिटी आई जिसकी वैल्यू आई है ई अपॉन बी, है ना, यहाँ चमक पड़ रही है क्या, यहाँ देख लो वी इज इक्वल टू कितना आ गया ई अपॉन बी। अब ये जो वेलोसिटी आई है, ठीक है, अब इस वेलोसिटी में खास बात क्या है, ये वेलोसिटी कब आई है, जब फोर्स क्या था, ज़ीरो था। इट मीन्स ये उस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है जब ई और बी कुछ इस तरह से सिलेक्टेड हैं कि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल चल रहा होगा, इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल चलेगा उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगे, क्योंकि एफ ज़ीरो रखा था तभी वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी आया। इट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ई अपॉन बी के बराबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकेंड और बी इज इक्वल टू है 3 मीटर पर, मतलब ई मीटर पर सेकेंड तो वी आएगा, ई 15 और बी 3 है, तो वी कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ई अपॉन बी से निकली है ना, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो पार्टिकल चलेगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं चलेगा, मतलब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो अब जैसे किसी कंटेनर में या किसी वेजल में या कहीं पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी अलग अलग वेलोसिटी है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट, कुछ पार्टिकल्स 10 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स 20 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ 8 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब हमें चाहिए कि सिर्फ वही पार्टिकल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनकी स्पीड कितनी हो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई कर देंगे, 15 की, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर देंगे, 3 की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना आ रहा है, 5। इट मींस 5 मीटर पर सेकेंड जो पार्टिकल्स होंगे उन पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पास कर जाएंगे, और बाकी इस वेलोसिटी के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, वो सीधे नहीं जा पाएंगे, उनमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जेस को सीधे जाने दिया, मतलब उनको सेलेक्ट कर लिया, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है।